नमस्ते भारत, आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई वीडियो या रील अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर केवल अरविंद केजरीवाल हैं जिनको 54 करोड़ के ताजमहल में रहने का शौक है, करोड़ों रुपए की गाड़ी लेकर के घूमने का शौक है, सरकारी पैसे को वो अपनी बपौती समझ रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। इनके द मोस्ट हैंडसम माननीय जो सांसद है राज्यसभा के राघव चड्ढा, वो अरविंद केजरीवाल से बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगी गुरु गुरु रह गया, चेला शक्कर हो गया। अगर राघव चड्ढा का आज वर्ष चले ना तो पूरे दिल्ली के जो सरकारी बंगले हैं वो अपने नाम लिखवा लें और सुबह एक जगह रहे, दिन में दूसरी जगह, रात में तीसरी जगह, ऐसे कर करके सारे बंगलों में रहे। राघव चड्ढा जब मात्र आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता हुआ करते थे तब ये भी बड़ी बड़ी बातें अपने गुरु की तरह करते थे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, नमक रोटी खाएंगे, झोपड़ी में रहेंगे, दिल्ली वालों की सेवा करेंगे। मैंने राघव के साथ बहुत सारी डिबेट्स करी है पैनल में और इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं कि राघव इस प्रकार की बात करते थे और मुझे भी लगता था कि भाई बड़ा जोशीला युवा है, अगर करेगा तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन राघव चड्ढा के तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। राघव चड्ढा एमएलए बने, उसके बाद एमपी बने, इन्होंने तो अपने रंग ही बदल दिए। दिल्ली में ये AB5 पंडारा रोड के बंगले में रहते हैं जो एक Type 7 बंगला है। ये बंगला इनको कायदे से मिलना ही नहीं चाहिए था, एंटाइटल्ड नहीं है इस बंगले में रहने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एमपीज होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज उनको Type 6 वाला बंगला मिलता है। लेकिन राघव चड्ढा ने Type 7 का बंगला अपने लिए लिया और उसके बाद जब राज्यसभा के सचिवालय ने बोला कि बाय मिस्टेक मिल गया, भाई साहब खाली कर दो, Type 6 में चले जाओ, और इनको पहले Type 6 ही दिया गया था पर ये Type 7 में घुस गए, तो बोले कि आप उसी Type 6 में चले जाओ, तो गुस्से से आग बबूला हो गए, खुद को आम आदमी कहने वाले, बोले तुम्हारी हिम्मत है मुझसे बंगला छीनने की, मैं इसी बंगले में रहूंगा, और कोर्ट पहुंच गए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि राघव चड्ढा का अपना घर है राजेंद्र नगर दिल्ली में, जिसमें नेता बनने से पहले वो अपने परिवार मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहते थे। तो भाई वहां जाकर के भी तो तुम रह सकते थे, क्योंकि केजरीवाल ने बोला था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो मेरे जो एमपी एमएलए हैं दिल्ली के वो कोई सरकारी बंगले नहीं लेंगे, अपने अपने घरों में आप लोगों के साथ रहेंगे। पर वहां राघव नहीं रहे। अब इन्होंने जो ये AB5 पंडारा रोड वाला बंगला है उससे अपनी शादी परिणीति चोपड़ा से रचाई, और अब परिणीति जब अपना दूसरे वाला करवा चौथ मनाने के लिए दिल्ली आई तो उस सरकारी घर में ऐसे ठसक से वीडियोस बनाकर फोटो खींच करके अपलोड कर रहे हैं जैसे ये इनका अपना बंगला हो। दिल्ली के टैक्सपेयर के, देश के टैक्सपेयर के पैसों में आप रह रहे हो और दिखा ऐसे रहे हो कि भैया ये मेरा अपना बंगला है। ये देखिए आप इनकी, मैं आपको दिखाऊं पहले, तो ये परिणीति बैठी है, ये जो बंगला है इसमें वेलकम होम, और भाई साहब बोल रहे हैं वेलकम होम बड़े से बंगले में, है ना। और ये देखिए इस प्रकार से उसको डेकोरेट किया गया है करवा चौथ के लिए। ये देखिए मुंडी दिख रही है चड्ढा साहब की आपको घर के सामने, ये इस प्रकार से घर है पूरा। अब ये घर इनको चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो घर आपको आपके लिए नहीं है, आप इंटाइटल्ड नहीं हो, उसमें आप घुसो मत, इसको घुसपैठिया वाली हरकत कहते हैं। दूसरी बात, अगर आप अपने आप को आम आदमी कहते हो तो राजेंद्र नगर वाले में जाओ ना रहने के लिए, आपकी दुल्हन आपसे प्यार करती है, घर से तो नहीं करती, उनको तो पता है कि एक आम आदमी वाले नेता से शादी करिए तो वो राजेंद्र नगर में जो गली में आपका घर है उसमें भी खुश हो जाएंगी, और सारी जिंदगी आपने वहां काटी है तो अब आपको ये इतना भव्य आलिशान बंगला क्यों चाहिए भाई, आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद जरा ये भी बता दो। पर भाई मन में चोर है, चाहिए सब कुछ। आपको याद है जब राघव और परिणीति की शादी हुई थी राजस्थान के अंदर, तब पंजाब की जो पुलिस थी वो पंजाब के लोगों की सेवा करने के बजाय, सुरक्षा करने के बजाय, सारी की सारी राघव चड्ढा की शादी में, राघव चड्ढा, राघव चड्ढा की पत्नी, उनके मायके, ससुराल वाले लोगों की देखरेख में कर रही थी, लगी हुई थी, उनको एस्कॉर्ट कर रही थी जैसे सिक्योरिटी वाले हों। और पंजाब हमारा सेंसिटिव सीमांत राज्य है, आधी से ज्यादा पुलिस वहां पहुंची हुई थी, इनको एयरपोर्ट से लाना ले जाना सब कर रहे थे। ये है राघव चड्ढा की सच्चाई, जो खुद को बोलते हैं कि मैं आम आदमी हूं और जनता के पास जाकर के बोलेंगे कि भाई हमें कुछ चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, तो आप जबरदस्ती इस बंगले में क्यों घुसे हुए हो। जो ये पंडारा रोड में Type 7 का बंगला है जो राघव चड्ढा ने लिया है, ये बंगले जो हैं उन सांसदों को मिलते हैं जो पूर्व में
या तो कहीं के मुख्यमंत्री रहे हो, या राज्यपाल रहे हो, या कैबिनेट के मिनिस्टर रहे हो, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष रहे हो। अब इनमें से कुछ तो राघव चड्ढा रहे नहीं, अभी तो इन्होंने अपना करियर शुरू किया है, लेकिन उसके बावजूद वहां घुसे हुए हैं। और जब इनको करेक्टली कानून प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोला कि आप इसको खाली करके टाइप 6 वाले बंगले में चले जाओ, टाइप 5 भी नहीं बोला, तो कोर्ट में चले गए लड़ने के लिए। इसे कहते हैं महाभ्रष्टाचारी झूठे लोग, जिनको टैक्स पेयर के पैसों में सब कुछ चाहिए। आप अपने पैसों में खरीदो ना, मैं कहती हूं इससे बड़ा बंगला खरीदो, कौन मना कर रहा है। और यदि आपको देश के ऊपर ही पलना है, टैक्स पेयर के पैसों पर ही पलना है, तो फिर एक्सेप्ट करो ना कि हम तो महाभ्रष्टाचारी हैं, हमें तो सब कुछ चाहिए, हमें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कोठी चाहिए, भ्रष्टाचार करके पैसा भी चाहिए, पुलिस भी हमें हमारी सिक्योरिटी में चाहिए, तो फिर ये एक्सेप्ट करो। उसके बाद इन्होंने बोला कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जब इनसे खाली करने के लिए नोटिस भेजा था, खाली करवाया जा रहा है, और बोलेंगे किसको, भाजपा को। मैं आपको बता देती हूं कि भाजपा के एक एमपी राधा मोहन दास को भी टाइप 7 से टाइप 5 बंगले में भेजा गया था, क्योंकि भाई उनके उनको उनके लिए वो नहीं था बंगला। ये सारी चीजें नहीं बोलेंगे। और आप देखो क्या बढ़िया, मतलब वहां पर फोटोज लगाई गई है उस बंगले की, एक से बढ़िया एक। ये देखिए आप, पति पत्नी मस्त उस बंगले में बैठे हुए, ये परिणीति ने शेयर करी, ये देखिए आप। आप अपने घर में ये सब कीजिए, या फिर स्वीकार कीजिए कि भैया हम तो मस्त भ्रष्टाचारी है। ये देखिए आप, ये बड़ा सा जो लॉन है, ये सरकारी बंगला है। अब मेरा ये सब बातें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने का यही मकसद है कि इन्होंने जो अपने चेहरों में मास्क लगा के रखे हुए हैं, वो एक्सपोज होने चाहिए। परिणीति चोपड़ा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भाई आपने राघव चड्ढा से शादी करी है, आम आदमी पार्टी के वो एक ऐसे सांसद हैं जिनके करनी कथनी में जमीन आसमान का फर्क है, तो भाई आपका नाम तो आएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज वो बहुत अच्छी है, वो अच्छी एक्टिंग करती है, सब कुछ बढ़िया है। परंतु इनकी जो सच्चाई है वो ये है, रोने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं जैसे इनसे बोला जाता है कि कानून के तहत काम कर। और राघव चड्ढा तो मतलब ऐसे ऐसे पलटे हैं बिल्कुल जैसे केजरीवाल वैसे चड्ढा। वैसे तो सारे के सारे यहां पर एक जैसे, कौन कम है कौन ज्यादा है ये तय करना बहुत मुश्किल है। बट खैर, मैंने आप लोगों के समक्ष ये महत्वपूर्ण विषय रख दिया है, और आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स को, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो आप मुझे भेजते हैं, उसको पढ़ती हूं। और निवेदन यही करूंगी कि जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो झट से कर लीजिएगा प्लीज, ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद, थैंक यू।